यूपी के बरेली में प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पानी की टंकी पर चढ़ गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से वेतन बढ़ाकर 18,000 रुपए करने और सरकारी कर्मचारियों की तरह दूसरी सुविधाएं देने की मांग कर रही है। यूपी के फिरोजाबाद में नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवाओं को पुलिस ने जमकर पीटा। प्रदर्शन कर रहे इन युवाओं को स्किल डेवलपमेंट स्कीम के तहत ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन ना तो इन्हें सर्टिफिकेट मिला था और ना ही नौकरी। यूपी के हमीरपुर में यमुना नदी पर बने पुल का एक हिस्सा टूटने से यातायात प्रभावित हो गया है। पुल पर भारी गाड़ियों की एंट्री रोक दी गई है और हल्की गाड़ियों को धीरे धीरे निकाला जा रहा है। इस पुल से कानपुर, लखनऊ, महोबा, मध्य प्रदेश के लिए गाड़ियां गुजरती हैं। ये पुल अब तक 7 बार टूट चुका है। लखनऊ इस्लामिक सेंटर में सेना की तरफ से पीओके में की गई सर्जिकल स्ट्राइक की तारीफ की गई। सेना की बहादुरी और आगे की सफलता के लिए दुआ भी मांगी गई। ईदगाह ऐशबाग में नमाज के बाद लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। यूपी के सोनभद्र में लगातार बारिश से पावर प्लांट के लिए कोयला ले जाने वाले रेलवे ट्रैक को भारी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से प्लांट के लिए पहुंचने वाले कोयले की सप्लाई प्रभावित हो गई है। एनटीपीसी की तीनों इकाई अनपरा, ओबरा, रेणुसागर तक कोयला नहीं पहुंच पा रहा है। पंजाब के पठानकोट और गुरदासपुर में सीमा से सटे गांव को 10 किलोमीटर तक खाली करा लिया गया है। लोगों को बसों में भरकर पठानकोट और गुरदासपुर में बनाए गए कैंप में भेजा जा रहा है। पंजाब के फिरोजपुर में बॉर्डर से सटे कई गांव के लोगों को खाली कराने के बाद रात सड़कों पर गुजारनी पड़ी। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई सहयोग नहीं मिला। सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बॉर्डर एरिया से विस्थापित हुए लोगों की मदद के लिए पंजाब सरकार ने सिविल कंट्रोल रूम बनाया है। कंट्रोल रूम में 3 फोन नंबर दिए गए हैं, जिसके जरिए लोग अपनी मदद मांग सकते हैं। पीओके में भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हालात को देखते हुए भाखड़ा बांध की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आसपास से गुजरने वालों की तलाशी ली जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में एक और पार्टी वजूद में आने जा रही है। सुच्चा सिंह छोटेपुर आज अपनी नई पार्टी की घोषणा करने जा रहे हैं। पार्टी की घोषणा से ठीक पहले सुच्चा सिंह छोटेपुर ने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया।